मेरी भांजी का नाम हमीजा बेगम है, उसको फर्दी नाम का गुलबर्गा का लड़का 2 महीने पहले उठा के लाया था उसको। यहाँ पर हम लोग गुलबर्गा में भी कंप्लेंट किए और वहाँ पे हमारे पीएस ने भी कंप्लेंट किए थे, कार्रवाई चल रही थी, लेकिन यहाँ पे गुलबर्गा की पुलिस कोई हमारे साथ नहीं दी। और आज सुबह में फर्दी ने फ़ोन करके बोला कि तुम्हारी बच्ची फांसी डाल दी। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद फ़ोन करके बोला सांस चल रही, वहीं दवाखाने को लेके गया, बॉडी को ऑक्सीजन पे रखे, बोल के बोला। फिर थोड़ी देर के बाद कॉल करके बोला तुम्हारी बच्ची की डेथ हो गई, 8 बजे लगा पोस्टमार्टम को ले के चले गए और 9 बजे डेड बॉडी बाहर दे दिए पोस्टमार्टम करके। आप जल्दी आ रहे हैं तो बोलो, या नहीं बोले तो वहीं बोलो बॉडी को उठाओ बोल के बोल रहे, पुलिस वाले यहाँ पे प्रेशर कर रहे मेरे को, आप आ रहे हैं तो बोलो, नहीं मैं दफना देता हूँ बोल के बोला। तो हम लोग यहाँ पर पहुंचे तक 12:30 हुए, आने के बाद हम लोग मार्चरी में देखे बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था और फरदीन को कस्टडी में ले लिया गया था। और हम डेड बॉडी को देख रहे थे तो हमको डेड बॉडी को सही देखने भी नहीं दिए और पंचनामा भी देर से करे, पंचनामा हुए तक ही रात के 6:30 बज गए। और उसके बाद यहाँ पे एमआरओ सर आके कंप्लेंट फिर दर्ज कर लिए, लेकिन हम लोगों को अभी पोस्टमार्टम करके बॉडी दे दो बोले तो अभी नहीं होता, कल बोल के टाल दे रहे लोग। सर्कल साहब से हम कितनी रिक्वेस्ट करें, लेकिन सर्कल साहब सही अंदाज से हमारे साथ पेश नहीं आ रहे। हमारे साथ रात में 12 बजे से लेकर सुबह शहर के टाइम तक उसके फरदीन के दोस्त भी वहां पर आते थे, 4-5 दिन से लगातार दोस्त वहां पर रहते थे और उसके घर के पास खाना पीने का भी हो रहा था इंतजाम, वहां पर गांजा पीने का भी वो रखा है। हम लोग जाके देखे और हमारे को पूरा यकीन है कि उसको उसके साथ कुछ गलत काम हुआ होगा और उसके साथ गलत काम करके उसको फांसी देके मार दिया गया और उसको जबरदस्ती करके मार दिया गया। बच्ची तो उसके खुद से खुदकुशी नहीं कर ले सकती, बच्ची डेर है, उन लोगों को बच्ची को लोग खुद मार दिए गए और इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई कर रहे हैं। आपकी लड़की आपकी मर्जी से यहाँ पर आई थी, जब आपकी आप 2 महीने 2.5 महीने के बाद आपको डेड बॉडी देखने को मिल रही है, क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या साजिश होगी? ये हमारे को पूरा फुल जो है मर्डर केस का हमारे को ऐसा इम्कान है पूरा। कौन किया होगा? और जो है उसके साथ में 3-4 जने जो बैठ रहे थे उठ रहे थे और ये जो पीने खाने के भी उसमें कुछ चीजा थे वहाँ पे जहाँ पे डेड बॉडी थी। क्या क्या मिला आपको वहाँ पे, क्या देखने को? वहाँ पे जो है ना वो हुक्का वगैरह जो पीते वो सब रखे हुआ था, उसके फ्रेंड तो आके बैठते थे वहाँ पे। अच्छा। पूरे अड़ोस पड़ोस वाले बोल रहे हम लोग को, ऐसा हम लोग देख रहे 4-5 दिन से यहाँ पे लोग 4-5 लोग आके बैठ रहे थे बोलकर। मर्डर के पीछे किन किन लोगों का हाथ आपको नजर आता है? उसके जितने दोस्त है वो पूरे है उसके अंदर, और मेरा जहाँ तक पूरा ख्याल है उसके जितने रिलेशन है उसके भाइया उसकी अम्मा ये सब है उसमें इन्वॉल्व। तो आप यहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट से यहाँ की गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं? कमिश्नर साहब से मेरे को यही अपील करना है हमारे को इंसाफ होना, हम लोग तेलंगाना से आए हुए हैं, हमारे को कुछ भी करिए हमारे को इंसाफ दिलाइए। हम लोग हैदराबाद से आए हैं, जब हमारी बच्ची 3 मार्च को यहाँ आ गई थी तो हम उसका बिना बताए आ गई थी, तो फिर हम बच्ची का फोन लगाए 3:30 के दौरान, तो फरदीन फोन उठाया बच्ची मेरे हवाले है अब मैं ला रहा हूँ बोल के बोला, फिर 2 दिन के बाद भी नहीं लाया। तो हम लोग उसका एड्रेस उठा के यहाँ पे आए, बहुत कोशिश करे उसकी माँ से मिले, चाचा से मिले, भाई से मिले, सब लोग हमारी मदद करते करते बोले, सुबह से शाम तक करते बोले, शाम होते कि हम कुछ भी नहीं कर सकते बोल के ऐसा सता लिए हम लोगों को। और फिर हम लोग उसके बाद पुलिस कंप्लेंट दिए, इंसानियत से लोग नहीं सुन रहे, कम से कम पुलिस से तो हम लेंगे साथ, पुलिस का साथ लेंगे बोल के पुलिस का साथ लिए, तो पुलिस वालों से भी हमारे कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार आज फरदीन फोन करके ये बता रहा कि बच्ची हैंग कर ली आपकी, आखिरी सांस पे है बोल के बोला। उसके बाद उसको थोड़ा हम तो क्या बोल रहा ऐसी कैसी बात करता बोल के थोड़ा डरा के पूछे, तो नैने पूरा मर्डर ही हो गया उसका, अब तो कुछ भी नहीं है, आप लोग आ रहे तो आओ, नहीं तो यहाँ पे पोस्टमार्टम भी हो गया, स्मेल आ रही, डेड बॉडी को मैं दफन कर देता हूँ ऐसा बोल रहा था, तो नहीं रुको हम लोग आने तक रुको बोल के बोले। तो फिर हम जब तक आए तब वो तो पुलिस स्टेशन में बैठ गया, बॉडी तो हम लोगों को मार्चरी में मिली, पोस्टमार्टम तो नहीं हुआ था, कुछ स्मेल मेल भी कुछ भी नहीं थी। क्या लगता है आप छोटी से बड़ी होते देखे लड़की को, क्या लड़की खुद से सुसाइड करने वाली लड़की थी आपकी? बच्ची पढ़ी लिखी बच्ची है, इंटरमीडिएट कम्प्लीट करके भी 1 ईयर ऐसा हो गया, बच्ची एकदम ब्रॉड माइंडेड है, हिम्मत वाली है, जो माँ बाप को छोड़ के इतने दिन से रह सकी तो खुद से खुदकुशी तो करने वाली बच्ची नहीं होती। उसको हम 2 महीने हो गए आके, एक दिन भी हमारे से बात नहीं करा रहा था बच्चा,
तो बच्ची को उसका फोन भी था, एंड्रॉइड फोन था, एंड्रॉइड फोन बेच लिया। और हम लोग ट्रेसिंग पे भी देखे तो वो फोन दूसरों के पास मिला, जो फोन मिला उन भी बोला हम लोगों को ये फोन ऑटो में मिला बोला, वो बात भी हम लोगों को झूठ लगी। फिर भी हम कुछ नहीं कर सके, उस हालात हमारे खराब थे, हम कुछ भी नहीं कर सके। फिर उसके बाद उन्हें तो हमारे कांटेक्ट में नहीं था, आज तो हमको ये बात सुनाया। और ये लगता कि आज हम जहाँ इंसिडेंट हुआ वहां जाके मैं भी देखी, तो वहां पे 4-8 दिन से जेंट्स की बैठक हो रही थी। और वो घर भी ऐसा है कि नीचे पूरे पोर्शन खाली है, पूरे लॉक्स है, ऊपर एक पोर्शन है, 2 रूम्स है। वो 2 रूम्स में ये लोग रह रहे थे, एक फैमिली सोहेल नाम के ऑटो वाले की फैमिली, उसकी भी एक वाइफ है, बस उसकी एक वाइफ है, वो भी एक नॉन मुस्लिम है, वो भी लव मैरिज करे हुआ है। और ये फरदीन ये हमारी बच्ची के साथ रह रहा था। और वो रूम्स भी ऐसे हैं कि अंदर से अटैच है, अंदर से उसका डोर भी है, 2 रूम्स बाहर से तो अलग है, फिर अंदर से फिर अलग से डोर भी है। फिर अब बाहर का एरिया हम देखे तो वहां पे हुखा भी रखे हुआ है, खाने पीने के सब चीजें हैं। और आजू बाजू वालों से भी हम पूछे करे तो यहाँ पे बैठक हो रही थी रात में 12 बजे से शहर की रात तक भी बैठे हुए रह रहे थे लोग। बोल के बोले वो घर के ओनर्स तो इधर नहीं रहते, बोल के बोले। तो हम लोगों को पूरा शक है कि बच्ची को कुछ मेंटली सता के कुछ डरा के धमका के उसके साथ फांसी की सजा दे दी। और मैं जब बच्ची की बॉडी जो देखी तो ये जो है ना पीछे तक है, पूरा दाग जो दिख रहा मेरे को पूरा पीछे तक है। और जो बच्चा जो बता रहा कपड़ा, इतना सा छोटा सा कपड़ा है, वो भी ओढ़नी का इतना छोटा कपड़ा है, उससे तो नहीं हो सकता फांसी डाल लेना, उससे तो नहीं हो सकता, ये तो यकीन नहीं मानती मैं, ये तो श्योरली ये क्या है, मर्डर केस है। और थोड़ा बच्ची जब जब बात करती थी उनके मम्मी से तो बोलती थी पैसों के लिए थोड़ा टॉर्चर कर रहा, मैं तो शादी कर लिया फिर अभी तक दौरी नहीं दिए और सोना वगैरह कुछ भी नहीं दिए, कुछ लाने से हम कुछ करेंगे बोल के सता रहा था, ये भी कुछ टॉर्चर था बच्ची के साथ। और इसको तो टोटल ये तो मर्डर केस है। यहाँ की आप लोग मीडिया और यहाँ की पुलिस गवर्नमेंट सब मिलके हमको थोड़ा मदद करके हमारे साथ इंसाफ करते बोल के हम आशा करते हैं।